अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू करियर कैंप। आज हम जिससे बात करने जा रहे हैं, ही इज़ अ रियल इस्टेट कंसल्टेंट एंड हिज नेम इज़ वकास महमूद। तो अब हम बात उनसे शुरू करते हैं। विल एक्चुअली टॉक अबाउट हिज एजुकेशनल एंड करियर बैकग्राउंड और उनका कैसा जर्नी जा रहा है अब तक। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम वकार, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम विनेश, आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम well, I have known you since, I guess, 6-7 years? I think more. More than that, yeah. 10 years I've been in Dubai, so I'm in Dubai. Yeah, but I've only met you in that time period. I've only met you 4 times, I guess. Yeah, a few times. But you're one of those who leave an impression on a person. So that's a compliment. Thank you so much. So, following that compliment, I'll ask that, how has your educational background led you to today's stage? To be a real estate consultant. Yeah. So basically. And in Dubai. Educational background के हिसाब से तो मेरे बचपन में बहुत सारे dreams थे। I wanted to be air steward. फिर I wanted to be in air force. Alright. different kind of things. और एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से, जैसे हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि आई थिंक मेरी एजुकेशन, अगर मैं अपने आसपास के लोगों को देखूं तो उनमें से सबसे अनस्टेबल एजुकेशन थी। Because I was born in Saudi. वहां पे मैं एक स्कूल में जाता था। क्लास 2 में आई गॉट, मेरी जिद थी बहुत ज्यादा, पेरेंट्स ने थ्रेट किया और मैं जिद पे अड़ गया। तो मैंने कहा मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है, ठीक है। तो उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में मुझे डाला गुजरांवाला। तो इट्स अ होल डिफरेंट, सऊदीया से डायरेक्ट पाकिस्तान, सऊदीया से सीधा क्लास 2 का बच्चा, वो भी गुजरांवाला के बोर्डिंग स्कूल में। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब वो भी 2-3 महीने जो मैंने वहां पे गुजारे वो किस तरह के थे। इट वाज टेरिबल, बट जब मैं वापस आया तो आई वाज अ होल डिफरेंट पर्सन। बचपन की शरारतें, ये वो सारा कुछ चेंज हो गया। 9-10 साल के बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरी वो जो एजुकेशन थी वहां से चेंज हो गई। फर्स्ट आई केम टू रावलपिंडी, तो एक स्कूल वहां पे चेंज किया। फिर इस्लामाबाद चले गए, तो इस्लामाबाद में 2 स्कूल चेंज किए। फिर लाहौर आ गए, लाहौर में आके 2 स्कूल चेंज किए। ओके, तो मेरे एज अ पर्सन आई हैड माय ओन ड्रीम्स, और वो सारे ड्रीम्स उस टाइम पे ना, मतलब जो एक चीज आपको फैसिनेट करती है ना, कि यार एज टू वर्ड बनना है, क्यों? क्योंकि आप दुनिया ट्रैवल करेंगे। आई वांटेड टू बी इन मॉडलिंग एज वेल फॉर सम टाइम, कि यार मॉडलिंग जो ना बड़ा अच्छा सा वो लगता है, बट मे बी दैट वॉज नॉट वट आई वॉज बिल्ट फॉर, और दैट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। ओके, आपकी एक एज में आपके जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, मैच्योरिटी के साथ साथ आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि थिंग्स हैव टू बी डिफरेंट, देयर इज समथिंग एल्स इन यू एज अ हिडन टैलेंट, जिसको आपको आइडेंटिफाई करके उस पे काम करना चाहिए और आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो। समटाइम्स पीपल आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे हैव इनसाइड। मेरे ख्याल से वो हिंट्स आपको मिलती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट इफ यू एक्सेप्ट दैट और नॉट, एंड एट द राइट टाइम। करेक्ट, आपको सिग्नल आ रहा है, ठीक है, यू डू यू एक्चुअली वर्क ऑन दैट ऑन राइट on that moment, या फिर वो नहीं करते हो? तो ये मेरा एक educational background हो गया। तो education में अगर आप ऐसे बात करें तो मेरी जो qualification थी, I was doing BBA. Right. During that time, I started a restaurant जो कि fail हो गया था। फिर वहाँ से मेरा वो भी career switch हो गया from BBA to BA, and then I went to culinary arts. Yeah. उधर के फिर मैंने internship की Gotham, exactly. Internship की, internship करने के बाद I was about to set up a restaurant. With the help of my teacher, children said that this is the right way and the direction, which is very important for anybody. All right. But my culinary arts mein koi experience nahi tha. But mere paas ek direction thi, sort of a mentor. Okay. जिन्होंने मुझे ये बताया कि बेटा देखो, आपको start लेने की ज़रूरी नहीं है कि आपने लंबी छलांग मारनी। You start small. वहां से आप गलतियां करते हो, एंड देन यू ग्रो, व्हिच इज अ नेचुरल प्रोसेस। आपकी जिंदगी में कोई भी आपने काम करना है तो आप अगर नेचर और नेचुरल प्रोसेस को देख के चलते रहेंगे ना, तो आपके पास एक इजी डायरेक्शन है। How did you get into real estate? Like from MBA, from business to culinary arts, and then towards real estate. How did that happen? Real estate में पाकिस्तान में तो आपको पता है real estate का बहुत ज़्यादा काम है और था भी हाँ जी। But मेरा शुरू से business में उस चीज़ में interest ही नहीं था, क्योंकि एक direction वो थी कि यार, मतलब I used to give a lot of importance, I still give a lot of importance to what my parents say. तो जो फादर ने कहा कि आप MBA कर लो, अच्छा यार MBA करेंगे फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एक माइंड उसी चीज के ऊपर था। तो मुझे पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कुछ पता ही नहीं था, और आई डिड नॉट इवन नो दैट हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। मुझे ये पता था कि यार ये प्लॉट खरीदते हैं, ये बेचते हैं, बट उसका सिस्टम कैसे काम करता है उसको पता ही नहीं था। बिल्कुल। I ended up in real estate because my friends from Pakistan, जिनको मैं विजिट कर रहा था, वो लोग रियल एस्टेट में ही थे। एंड व्हेन आई वेंट देयर,
एज अ टूरिस्ट 2 हफ्तों के लिए. तो माई लास्ट वीक, लास्ट फ्यू डेज, आई स्टार्टेड गोइंग टू अ रियल एस्टेट दैट माई फ्रेंड यूज्ड टू वर्क इन. तो उस रियल एस्टेट में आई स्टार्टेड गैदरिंग इंटरेस्ट. एक्सीडेंटली आई क्लोज्ड अ डील जिसका कमीशन भी मुझे मिला, और उसके बाद फिर जो कंपनी ने मेरा वीजा एक्सटेंड किया, दे वर लाइक वी लाइक यू, आई थिंक यू आर गोना डू ग्रेट. Because it's like more of a people's business. Real estate के लिए आपको communication चाहिए, you need personal grooming, you need you know, presentable attire and all that. तो उस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह I was good. So that's how basically real estate started. All right, great. अच्छा वकार, जो आपने बात की है कि आप इस तरह रियल एस्टेट में आए हो, लेकिन आपने उस तरह से पढ़ा नहीं है, उस स्पेसिफिक फील्ड में आप नहीं आए थे, ना ये सोच के आए थे, बट आपको जिंदगी उधर ले आई ना, तो आप अगर इसी तरह, मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो बच्चों को ज़्यादातर यही मसला होता है कि वो पढ़ किसी और सब्जेक्ट में रहे होते हैं, गाइडेंस कहीं और की, नहीं नहीं तू ऐ नहीं करना, और करते कुछ और है. तो मतलब हम वैसे कुछ ये चेंज भी करना चाह रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म की हेल्प से, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनकी मेंटोरशिप मिले उनको, कि वो कहीं देख सकें एज एन एग्जाम्पल. तो उसके लिए हम इतने प्रोफेशनल्स के साथ इंटरव्यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्चुअल लाइफ में हर प्रोफेशन से कोई ना कोई बंदा नहीं होता कि जिसको हम देख के उस प्रोफेशन में जाएं. तो आप बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आप क्या एडवाइस करोगे, या फिर उनकी स्टडीज जो है, एजुकेशनल जर्नी जो है, वो किस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? डू यू हैव समथिंग पर्टिकुलर इन माइंड? इसमें जो एक चीज मेरे जहन में आई है वो ये है कि जो एक कॉमन चीज है, आपको किसी भी को भी देख के मतलब उसको अपना आइडियल नहीं बनाना चाहिए. Okay. उसमें क्या होता है कि अब आपके अंदर क्या है, ठीक है, आपको उस चीज को पहले ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक आदमी को देखिए यार ये बड़ा सक्सेसफुल है, ये रियल एस्टेट में है, तो मैंने भी रियल एस्टेट में जाना है. क्या पता आपकी रियल एस्टेट की स्किल्स ही नहीं है, या क्या पता आपके पास एक ऐसा स्किल है अपने अंदर जो आपको रियल एस्टेट से ज्यादा ग्रोथ या उससे ज्यादा बेनिफिट देगा. तो मेरा इंटरव्यू जो भी देखेंगे उनके लिए मेरा यही एक एडवाइस और एक मैसेज यही है, और बाकी आपके प्लेटफॉर्म से जो भी वीडियो देखेंगे उसके लिए भी ये कि किसी भी आदमी को आप देख के उसको अपना आइडियल ना बनाए यार मुझे ऐसे ही बनना है. आप उसमें से जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसको पिक exactly, करें. हाँ, और अपने जो स्किल्स आपके अपने अंदर स्किल्स है ना, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो नॉन निगोशिएबल है. फॉर एग्जांपल आज के टाइम में कम्युनिकेशन इज नॉन निगोशिएबल, ठीक है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है. प्रेजेंटेबल होना इज नॉन निगोशिएबल, पर्सनल हाइजीन इज नॉन निगोशिएबल. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो रिगार्डलेस, और ये वो चीजें हैं कि जिसके लिए आपको बहुत बड़ा कुछ सेटअप, बैकग्राउंड, पैसे कुछ भी नहीं, इसके लिए आपकी हैबिट्स है. ये हैबिट्स अपने आप अपने अंदर लेके आना, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है. उसके बाद फिर आप उसमें से बिल्कुल इंटरव्यूज में से, लोगों में से देख के चीजों को पिक करें, डिफरेंट चीजों को सीखें, टेक दोस बिट्स और उन पे काम करें और अपने ऊपर काम करें, उसको पॉलिश करें. और ये जो आपकी बात है प्रेजेंटेबल होने की, कि इसमें आपको बहुत नहीं चाहिए कि आपकी वार्डरोब इतनी बड़ी हो तो देन ओनली यू कैन डू दैट, क्योंकि आई हैव सीन लाइव एग्जांपल्स कि जिनकी वार्डरोब बड़ी लिमिटेड होती है, बट वो जब आते हैं यूनिवर्सिटी या फिर जॉब पे तो वो बड़े प्रेजेंटेबल बन के आते हैं. एंड माई हस्बैंड इज वन ऑफ दोज पीपल कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में आते थे तो he was always presentable. वो सारे बच्चों में सिर्फ पता चलता था कि भाई हाँ ये बंदा इसलिए आइडेंटिफाई स्पॉटलाइट में आया ना, तमीज़दार बंदा. तो ये होता है एंड दैट इज डूएबल सो सबके लिए. तो मतलब यू डोंट नीड अम्मा अब्बा को कहोगे नहीं जी मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं कैसे अच्छा बन के जाऊँ, तो ये नहीं होती. आपके पास एक साबुन और पानी है, मुंह धो के जाना, धो सकते हैं आप रोज नहा सकते हैं. अच्छा ये थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस की रियलिटी की बातें हैं. रियल एस्टेट में जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई मीन फॉर सेविंग्स आई हैड नथिंग, ठीक है. आई वाज रिलाइंग ऑन सर्टेन पीपल जो कि मेरे दोस्त थे. थोड़ी देर बाद वो सपोर्ट भी चली गई, उसके बाद आई वाज ऑल बाय माय सेल्फ 1.5 साल 2 साल, ठीक है. आई एंडेड अप इन अ केस विद माय फर्स्ट कंपनी और फिर उसमें से भी थ्रू हुआ, सारा कुछ हुआ. 2 साल के बाद फिर जब मैंने दूसरी कंपनी चेंज की एंड व्हेन आई स्टार्टेड, दैट वाज माय टाइम व्हेन आई स्टार्टेड इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग, बट उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आए. तो ये एक डिफरेंट चीज अपने एक्सपीरियंस में. नाउ आई एम अबाउट टू स्टार्ट अप स्टार्ट माय ओन कंपनी इंशाल्लाह. ओके, गो बैक टू दुबई, गुड लक टू यू इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच. तो 10 साल के एक्सपीरियंस में जो चीजें मैंने सीखी हैं और उसके बाद जो मेरा ये डिसीजन है कि अगर मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करता हूँ और उसके साथ मुझे किस तरह के लोग चाहिए, तो क्या मुझे मेरी कंपनी के लिए ऐसे लोग चाहिए कि जो ग्रूम नहीं है? नहीं. क्या मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है? नहीं. क्या मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है? नहीं.
मुझे अपनी कंपनी के लिए ऐसे लोग चाहिए जो जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग है, बात करने आती है, तमीज है, क्लाइंट के साथ कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्किल्स. एग्जैक्टली. तो मी बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं वहाँ पे अपनी कंपनी स्टार्ट भी करता हूँ तो मेरी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है. अब पाकिस्तान में वो लोग जिन लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है या इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, तो जब वो लोग बाहर जाते हैं किसी भी फील्ड में जाते हैं उनको वो रिस्पांस नहीं मिलता, वो ग्रोथ नहीं मिलती. नहीं मिलती, ठीक है. तो ये तो नॉन निगोशिएबल चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है, डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग. और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द फील्ड्स आपको ऐसे करना पड़ता है. मतलब अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाएं और हम देखें कि भाई जी उसके कपड़े गंदे हैं, तो हम कहेंगे यार ये तो खुद सफाई का ख्याल नहीं रखता है, मुझे क्या कपड़े गंदे हैं, बाल उसके बने हुए नहीं है, तो आपको क्या, आप उसे इंटरेक्ट करना भी नहीं पसंद करेंगे, ठीक है. आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी कि यार चलो, बट यू विल नॉट बिल्ड रिलेशनशिप विद देम, ठीक है. तो मेरी फील्ड में तो रिलेशनशिप बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो हमने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि मेरी जो एजुकेशन थी वो बहुत ही, इट वाज अ बम्पी राइड, कोई एक मतलब फॉर्मेट नहीं था कि एक तरह से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, फिर मैंने साइंस की और फिर मैं इंजीनियर बन गया, या कुछ इंजीनियर भी बनना चाहता था मैं बेसिकली. मैं फादर वाज लाइक यूईटी में, यू बेसिकली वांटेड टू बिकम अ नोमैड. आई वाज एवरीवेयर, यस, नोमैड, बट आई थिंक मैं जहाँ पे टेक्निकल वन, हाँ जहाँ पे, लेकिन जहाँ पे मैं मुझे अपनी एक, मेरा अपना स्किल जिसको मैंने आइडेंटिफाई करके मैं यूज कर सका, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड आई एम सक्सेसफुल इन दैट, दैट वाज माय कम्युनिकेशन, दैट वाज माय कॉन्फिडेंस. और सिर्फ इन दो चीजों के साथ ही मैं अपनी एक लिविंग, अपनी अर्निंग, मतलब अपनी कमाई का जरिया, अपनी एक करियर का जरिया टू अ पॉइंट कि मैं अपनी कंपनी बना सकता हूँ, मैं लोगों को हायर कर सकता हूँ. तो वो बेसिकली मेरा अपना एक मुश्किल था. तो एजुकेशन जरूरी है, बिल्कुल है. हाँ, मेरे लिए एजुकेशन थोड़ी सी इस तरह से होगी, मेरी स्कूलिंग तो डिफरेंट उसमें थी, बट कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमेशा ग्रूमिंग रही है, टीचर्स से लेके भी. मेरे सऊदीया का जो स्कूल था, दैट वाज एन अमेरिकन स्कूल, तो वहाँ से मुझे वो एक मिला. उसके बाद मैं इस्लामाबाद किया, रावलपिंडी का स्कूल इतना अच्छा नहीं था. इस्लामाबाद में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे अगर आप पाकिस्तानी स्कूल, लेकिन अगर आप उर्दू में बात करें तो आपको फाइन होता था. ओके. तो वो उस टाइम पे तो सोचने में बड़ी एक चीज लगी कि यार ये क्या स्कूल सिस्टम है, बट वो बाय फोर्स बच्चों को कि यार आप टूटी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं ना आप इंग्लिश में बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी उर्दू भूल जाएं. यही मैं क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि लोग ना अब इसमें आ रहे हैं गलतफहमी में. हर टाइम बेटे अपना हैंड पकड़ाएं जी, बेटे स्लीप कर लें जी जी, ले प्लीज वो नहीं करना. अच्छा, वो फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं. एग्जैक्टली. आपको उर्दू आनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखानी भी चाहिए, अपने नाना दादा उनसे भी तो बात करनी है उन्होंने. ये भी नॉन निगोशिएबल है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि आपकी जो है वो पर्सनल हाइजीन और ये सारा कुछ. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने वो खालिस ग्रामर वाली उर्दू ही बोलनी है, वो कहीं नहीं आती. लेकिन एक चीज मैंने और सीखी है कि जो लोग और जो कौम अपनी इज्जत खुद नहीं ना करते, उनकी इज्जत कोई भी नहीं, कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो करवा ही नहीं पाता है ना, उनको पता ही नहीं है. दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा नेशनलिटीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आती है, वहाँ पे डाइवर्स. मैंने हमेशा चाइनीज को चाइनीज में बात करते देखा है, जर्मन को जर्मन में बात करते देखा है, इटालियंस को इटालियन में बात करते देखा है, अरबियों को अरबी में बात करते देखा है, इवन इंडियंस को हिंदी में बात करते हुए देखा है. सही हो गया. पाकिस्तानी, पाकिस्तानी फिर वही बेटा स्लीप कर ले, बेटा वेक अप, ठीक है, वो वाला ये वाला चक्कर हो जाता है. तो हम अपने आप को उस चीज में वो फक्र नहीं महसूस करते. बिल्कुल ऐसे ही है. गवर्नमेंट के सारे इदारों में दुबई में आपको वो अपने नेशनल ड्रेस में नजर आते हैं, कंदूरा पहनेंगे, ठीक है, और वहीं बैठे खवातीन उनकी जितनी भी हैं वो अबाया पहनती हैं. Okay. हमारे यहाँ पे एक अबाया का भी कल्चर है कि जिसने अबाया पहना हुआ ना उसका इमेज ही और है. हाँ, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते. जितने लोग भी दुबई गए हो एज अ टूरिस्ट या कभी भी, तो उन लोगों को ये पता है कि वहाँ पे वो अपनी कल्चर की, अपनी चीज की इतनी इज्जत करते हैं, उसमें फख्र महसूस करते हैं कि हम लोग जो वहाँ जाते हैं तो अबाया वाली औरतें हमें बुरी नहीं लगती. कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप कंसिडर करते हो कि बहुत जरूरी है अगर आप इसमें आना चाहते हो और सक्सेसफुली इस जर्नी को चलाना चाहते हो? मैं तो ये कहूंगा कि मैंने जितने पाकिस्तानी लोग देखे हैं ना वहाँ पे रियल एस्टेट में, जो थोड़े से प्रेजेंटेबल भी हैं, थोड़े से भी एटलीस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा तो फिर बहुत ही ऊपर है, ठीक है, थोड़े से भी प्रेजेंटेबल हैं और कम्युनिकेशन भी उनकी ठीक है, वो बाकी सारी नेशनैलिटीज में से सक्सेसफुल है. ओके. क्योंकि हमारे यहाँ का जो एक पॉजिटिव चीज है ना, हमारे यहाँ के लोग जो है वो स्ट्रीट स्मार्ट है, मतलब गली मोहल्ले का लेन देन, लोगों से मिलना मिलाना करना सारा कुछ. हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा है. तो उसमें अगर उनको थोड़ी सी ग्रूमिंग और मिल जाए ना, कि उनको बात करनी आ जाए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जिनकी ग्रूमिंग भी ठीक थी, लैंग्वेज भी ठीक थी, लेकिन वो नहीं सर्वाइव कर सके, नॉट इवन, मतलब सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में. वो ये कि अपने अंदर जो है ना उनकी एक वो लालच,
चोरी, इंसाफ, ईमानदारी, ये चीजें नहीं है. तो इंसान के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, आपने वो रखनी है अपने साथ, और वो रखते हुए आप चलते जाएं तो आप जिंदगी में, और कंसिस्टेंसी बड़ी मतलब आपको जो है ना एक वो बहुत जरूरी चीज है. That is what takes you from one place to another, exactly. a better place. Exactly. Yeah. तो कौन से ऐसे लोग हैं जो real estate में आ सकते हैं या आना चाहते हैं? Real estate के लिए आपको को बहुत ज़्यादा degree नहीं करने की ज़रूरत है. और दुबई में तो आजकल खैर ऐसा है कि उनका भी जो जो authority है basically government की जो real estate को regulate करती है, उसके पूरे कानून बनाती है सारा कुछ, RERA कहते हैं उसको, उसका एक test है, बहुत simple है. आज से 10 साल पहले बहुत आसान था, आहिस्ता आहिस्ता चीजें मुश्किल से होती जा रही है, ठीक है. लेकिन अभी भी वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है. आप लाइसेंस ले सकते हैं, आप लाइसेंस लेके किसी अच्छी कंपनी के साथ, बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं पाकिस्तानी ओनर्स में जहाँ पे आप स्टार्ट ले सकते हैं. आपको वो ट्रेन करते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं किस तरह से काम स्टार्ट करना है, सारा कुछ. लेकिन अगर आपके अंदर अपनी हुई कम्युनिकेशन है ही नहीं, और आपकी प्रेजेंटेबल आप हो ही नहीं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, कपड़े ठीक तरह से पहनते नहीं हो, तो जब भी क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट अगर तो वो मजबूर है तो आपके साथ वो डील कर लेगा, अगर वो मजबूर नहीं है ना तो फिर तो हजारों लोग हैं जी, थैंक यू वेरी मच, मैं किसी और से डील करूंगा. बिल्कुल. तो रियल एस्टेट को रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. अगर मैं रियल एस्टेट कर सकता हूँ ना तो कोई भी रियल एस्टेट कर सकता है. तो अगर नॉर्मल बीए पास, मतलब जनरल सब्जेक्ट्स में है कोई, तो कैन ही पास, ही और शी पास द टेस्ट जो है? एक बुक है, ठीक है, उसके 8 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ मॉड्यूल्स लॉज पे है और वो स्टैंडर्ड लॉज है, वही अप्लाई होने हैं, और उसमें कुछ चेंज होते जाते हैं, जैसे कोई भी दुबई में नया अगर रूल आया लॉ पास हो तो अपडेट होता रहता है, ठीक है. आपने वो बुक पढ़नी है, लॉज को समझना है, ठीक है. और वो हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे एग्जाम्स नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल. और आपने उसको एग्जाम देना, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है. और दैट्स इट, लाइसेंस आपके पास आ गया. बाकी दुनिया की किसी भी फील्ड में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दो डिफरेंट चीजें, ठीक है. थ्योरी में जो आप सीखते हैं, हो सकता है प्रैक्टिकल डिफरेंट हो, लेकिन थ्योरी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है, ठीक है. प्रैक्टिकल हम कहते हैं हमें मैथ कभी वो sin थीटा वो नहीं हेल्प किया, लेकिन बट इट डज. इफ यू मतलब वो बेसिक्स है ना, वो हर सब्जेक्ट की बेसिक्स पढ़ाएंगे तो आप किसी एक सब्जेक्ट में जाओगे ना पर्टिकुलरली. विकास, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये सब चीज़ों की हमने बात कर ली, आपका एजुकेशनल सिस्टम कुछ और था, अब टाइम बदल गया, ठीक है. और हमारी कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हम ये चीज़ थोड़ी आसान करते हैं, जो हमने मुश्किलें देखी हैं, ऑब्वियसली देखी हैं, और वो अगर बेहतर होता सिस्टम तो हमारे लिए आसान हो सकता था. तो आपको क्या लगता है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ों की आप बात कर रहे हो, इनकी प्रैक्टिसेस ठीक है, हाइजीन की थोड़ी बहुत होती है, नेल्स काट के आएँ, ट्रिम होने चाहिए, आपका यूनिफॉर्म साफ होना चाहिए, बट ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर नहीं होती कोई बात स्कूल्स में या कॉलेजेस में? ये तो सबसे बड़ी बात आपने कर दी जो मेरे अपने दिल की बात भी है. अच्छा. हमारे स्कूल में ये चीज़ें नहीं सिखाते. हमारा ज़्यादातर जो फोकस है वो ये है कि बच्चे ने इंग्लिश में मार्क्स कितने लिए, रिगार्डलेस उसको समझ आई है नहीं आई, उसने रटा मारा, उसने चीटिंग की, उसने क्या किया, ऐसा वाला कोई वो एक वो चक्कर नहीं है. मेरे ख्याल स्कूल में होना क्या चाहिए, मिनिमम बहुत सारे लोग हैं उनकी मतलब हर बात हर सिनेरियो में फिट भी नहीं होती, ठीक है. जैसे अगर मैं कहूँ कि यार सबको अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, बहुत सारे ऐसी पाकिस्तान में विलेजेस हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे उनके लिए वाकई वो मुश्किल आते हैं, वो नहीं कर सकते. हम बात करें मेजोरिटी की, जो कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे, जिनको पता ही नहीं है, जिनके पास अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है. अवेयरनेस है भी तो भाई लेजनेस है, अवेयरनेस है भी तो कि यार वो तू मतलब आलकस के मारे हैं, आलकस के मारे हैं, वो फिर बात मजाक में निकल जाती है, वही बात है, सफाई और ये और वो और ऐसे करके वो चीजें निकल जाती हैं. फिर जब वो टाइम गुजर जाता ना 5, 8, 10 साल जिसमें वो अपने आप को कर सकते थे, आदत बना सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे, अब जो है ना वो जंग शुरू हो गई है, ठीक है. अब आपने जंग में जाना है और लड़ना है, यही बात है. एकदम फिर वो एकदम वाली मुझे चीज आती है ना, आप कहते हैं कि यार मैं तो तैयारी करके आया नहीं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, माँ बाप इतना पढ़ाया, इतने पैसे लगाए, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही. अच्छा एक और बात है, होम इकोनॉमिक्स होता था हमारे टाइम पे स्कूल में, मैंने सुना हुआ, पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, सुना हुआ है, मेरी बहनों ने पढ़ा हुआ है होम इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट, मेरे मेरे भी स्कूल में उस लेवल तक जाने तक ये चीज खत्म हो गई थी, बट अब मुझे लगता है कि दैट वाज अ वेरी गुड थिंग टू हैव, जो हमने खत्म कर दिया नहीं वो बेसिक लाइफ स्किल्स. ये भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारी एक वो चीज है कि जो पुरानी अच्छी चीजें थी ना खत्म, हमने खत्म कर दी हुई है. जैसे मुझे आज भी याद है, था तो मैं बहुत छोटा, लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स आते थे, ठीक है, कुरान की क्लास आती थी टीवी के ऊपर. अब ये एजुकेशन किस हिसाब से है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, ठीक है, उनके लिए फ्री एजुकेशन है,
अब हमारे पास आप टीवी लगा लेते हैं तो क्या आता है कि सबसे पहले खबर हमने दी है और वो आधा घंटा आपके सर में जब तक दर्द नहीं होगी ना तब तक वो छोड़ेंगे चलती नहीं। रहेगी, हाँ, और किसी किस्म की भी जो आपकी पर्सनल ग्रोथ आपकी एजुकेशन तालीम से रिलेटेड चीजें वो खत्म होती जा रही है। बट अब ये सारी चीजें खत्म होगी, ये तो शुक्र है कि हमारे मजहब में हमारे दीन में है कि जी जुम्मे को आपने नेल्स काटने हैं तो बच्चे उस डर से लड़के जो है काट लेते हैं तो अब्बा जी के यहाँ कुछ तो अब्बा जी के चित्र पड़ेंगे, नहीं तो वो भी नहीं, बाकी सॉक्स पहनने देंगे नजर ना आए कि कार पैर कटे हुए। वही बात है ना, मतलब इतनी चीजें जितनी हमने बात की है ये सारी हमारे कुरान में भी है। हाँ, exactly. और दूसरी चीज जहां तक प्रैक्टिकलिटी की बात है, एक तो बच्चे भी इस चीज से दूर होते जा रहे हैं, दूसरा माँ बाप भी होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जितना एक्सपोजर बढ़ रहा है ना उतना ही हम अपने काम को लेके और कॉन्शियस हो रहे हैं और बताते नहीं है, हम शर्मिंदा होते हैं। एक दुकानदार है वो अपने बच्चों को खुल के नहीं बताएगा कि भाई मेरे तो किराने की दुकान है, और वो अपने फेलोज को नहीं बता पाता है कि मेरे अबू की किराने की दुकान है। उसे शर्म आती है कि भाई नहीं मेरे क्लास फेलो को तो अब्बा जी बिजनेसमैन है या इंजीनियर है या डॉक्टर है। तो अच्छा, आप... वैसे ये शर्म वाली बात नहीं है, नहीं है ना, अगर आप बाकी मुल्कों में देखें ना, हाँ, तो इसको हमने नाम दिया हुआ किराने की दुकान, यही बात है। उसको नाम को आप इंग्लिश में चेंज कर देंगे ना किसी और मुल्क में खोल लेंगे तो वो कहेंगे इनका अपना बिजनेस है। एग्जैक्टली, एंटरप्रेन्योर है बिल्कुल। इसमें जो इस तरह के जो जो फैमिलीज या जो लोग हैं ना उनके लिए, उनको मतलब मेरी जाती एक सोच के हिसाब से होना ये चाहिए कि वालदैन तो अपनी कोशिश करते हैं बच्चों को बेहतर से बेहतर हर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर किसी के वालिद की कोई लॉन्ड्री की दुकान है या करियाने की दुकान है या गंदम पीसने की दुकान है या छोटा सा जनरल स्टोर है, कुछ भी है, उसकी वजह ये है कि हो सकता है उनके हालात ऐसे हों कि उसमें ग्रो नहीं कर सके, और वो बच्चा जो जिसको ये लगता है कि यार मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं या मेरे पास जो चीजें हैं बड़ी लिमिटेड सी हैं, मतलब मैं बाहर नहीं जा सकता या मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तालीम हासिल कर रहा है तो वो इस सोच में रख सकता है कि यार जब मैं तालीम हासिल कर जाऊंगा ना तो जो चीज मेरे बाप को नहीं पता थी ना मैं उसमें हेल्प करके वो किराने का स्टोर में सुपर स्टोर से जनरल स्टोर से हाइपर मार्केट से वहां तक लेके जा सकता हूं। अच्छा, ये मैंने भी अब शुरू किया, नहीं तो हम पाकिस्तानी ना शर्मिंदा हो जाते हैं, हम नहीं एक्सेप्ट करते अपने स्किल्स। हाँ, अपनी बुराइयां जरूर सबको बता देते हैं लेकिन जो हमारी अच्छी, या तो हम बहुत बढ़ चढ़ के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारे में म्याने रवि नहीं है, तो आई गेस दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। तो आप कम्युनिकेशन में अच्छे थे, आपने रियल एस्टेट में आए और आपको अच्छा लगा, तो इवेंचुअली हम सब की दुआ तो ये है कि पाकिस्तान के लिए सारा कुछ अच्छा हो, एट द एंड पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए कि हम भी बाहर से आके यहाँ पे रह लें। लेकिन जब तक कि वो नहीं हो रहा तो हम पाकिस्तान में रह के अपने, मतलब जारी बात है हमारी लाइफ है, बच्चे हैं, जिंदगी है, करियर है, सब कुछ करना है, सब लोग बाहर जाते हैं। अगर हमारे पास कोशिश है आप जा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे अपने ऊपर एटलीस्ट काम करें, आपको अपने कल का नहीं पता। कल को आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेड हंट करते हैं, यानी कि लोगों को ढूंढते हैं पाकिस्तान से, आपका कोई भी स्किल जो आपको आपके पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में काम दे सकते हैं, आप सिर्फ उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर काम करें, बिल्कुल। लोग आपको वहां से बाहर से बुला लेते हैं, बिल्कुल ना कि ये कि आप, हम सुबह उठे, हमने ये नाश्ता किया, अब मैं यहाँ पे यहाँ गए और हमने अब ये तस्वीर ली, उफ ये बहुत प्यारा था, उफ मुझे बर्थडे पे ये मिला। तो आप का जो अपना स्किल है, ठीक है, आप उसी को स्किल के तौर पर अगर बता दो कि भाई आई एम गुड इन दिस और मैं इस तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो समझ आ जाती है। बट जो भी आपका स्किल है ना, जैसे अगर आप फर्स्ट करें आर्टिस्ट हैं, आपको आर्टिस्ट होने, आप आर्टिस्ट हैं लेकिन आपको वो एक ब्रेक, एक वो चांस नहीं मिल रहा, तो आपका सोशल मीडिया है, आपका जो भी स्किल है आप उसको अपने सोशल मीडिया पे, आप उसको वो अपने स्किल को यूज करें कि जो कल को वाकई अगर आपका स्किल है, अगर वो उस लेवल का नहीं है तो वो सोशल मीडिया पे करते 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 इंप्रूव हो जाएगा और एक टाइम पे आपको कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस तरह गए भी हैं, जैसे उस्मान खालिद है, वो उसने वो हम सफर का वो किया था पैरोडी, इफ यू, उसका अपना स्किल है। हाँ, वो स्किल ही था ना, तो वो पहचाना गया और अब नाउ ही इज एक्टिंग, वो मतलब ही वाज गुड इन इट। तो उसने ये तो नहीं बताया था मैंने आज ये नाश्ता किया, या किसी को वो तो नहीं, जुगत तो नहीं लगाई थी, मतलब बस उसने नॉर्मल एक चीज को फनी वे में आयरॉनिकली लेके गया था। तो यस, तो हमारा यही मैसेज है, हम एक्चुअली यही कहना चाह रहे हैं कि आप चाहे वो स्टडी हो, एजुकेशन हो, बुक की वाली किताबी चीजें हो, या फिर प्रैक्टिकलिटी हो, जो मियाना रवि होती है, बैलेंस होता है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जहाँ पे एजुकेशन तो बहुत जरूरी है ही है, इसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम किताबों की बातें नहीं कर रहे तो आप तक जब तक पढ़ोगे नहीं, इल्म नहीं हासिल करोगे, आपको डिफरेंस नहीं पता चलना, आप फिर उधर के उधर ही रहोगे। जरूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है तो ही आपकी जिंदगी में आप कामयाब हो सकते हैं,
और ये भी नहीं है कि एक कॉलेज में नहीं जा सके तो अब दूसरे में जाएंगे तो हमारी जिंदगी खराब होगी, या आप अपनी जिंदगी जो है ना अपने हाथों में ले सकते हो और अच्छा उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो. इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू विकास, थैंक यू सो मच. और बल्कि जो आज हमने जिन टॉपिक पे बात की है, जिन थोड़ी बहुत चीज़ों पे बात की है, इस पर हम बात नहीं करते हैं, द प्रेजेंटेशन एंड हाइजीन वगैरह. और ये मेरे ख्याल से दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग्स टू बी कंसिडर्ड. तो मैं चाहूँगी कि आप एक फाइनल मैसेज ऐसा दे दो कि जो आप चाहते हो कि एज अ पेरेंट आप एजुकेशनल सिस्टम में कैसा चेंज चाह रहे हो, या स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे कि वो वाकई इस चीज़ को अपने आप में कुछ जाग जाएं और वो वाकई अपने पैशन को, मतलब हम एज अ नेशन सोए हुए हैं, तो किसी एक को भी अगर हम जगा सकते. अगर जो हमारी पूरी डिस्कशन है इसको अगर एक कुछ जुमलों में और कुछ लफ्ज़ों में अगर मैं कुछ उसको समेटना चाहूँ तो वो ये है कि एक तो जो आपकी अपनी शनाख्त है उसमें आपको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. दूसरा ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो करने के लिए ना आपको पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक सोच और आपको थोड़ी सी कोशिश चाहिए. ठीक है, अपना सफाई का ख्याल रखना, जिसमें आपका नहाना धोना, बाल तरीके से कटे हुए हैं, मतलब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं मतलब मुंह उठे और सिर्फ मुंह धोया और धो के चले गए, उस तरह से नहीं, एक प्रेजेंटेबल तरीके से आप ऑफिस जाते हैं. पर्सनल ग्रूमिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, ये आपकी दूसरी चीज़ है, ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ है. ठीक है, और दूसरा ये कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मुझे याद है मेरे साथ बहुत सारे ऐसे साथ मेरे दोस्त थे जिनको मतलब पाकिस्तान में वो उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए, लेकिन ये नहीं कि आपने उर्दू को बिल्कुल ही निकाल देना है कि यार उर्दू से हमें शर्म महसूस होती है, हम इंग्लिश बोलेंगे ना तो हमें ज़्यादा इज्जत मिलेगी. जब आप उर्दू नहीं बोलते ना, आपकी इज्जत तो वैसे चली जाती है कि ये तो कौम जो है वो इनको अपना कोई ख्याल ही नहीं है. और इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो ना फिर आप पाकिस्तानी रहते हैं ना आप गोरे हो सकते हैं. तो इंग्लिश को सीखें ये सोच के नहीं कि हमने इंग्लिश नहीं हमें आती ना तो कुछ नहीं होगा. बेसिक अगर आपको इंग्लिश आती है ना कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो कम अज़ कम आप एक कदम आगे चलेंगे. ठीक है, और जब आप बोल सकते हैं ना तो आहिस्ता बोलते 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 फिर आप और मतलब बेहतर से बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं. और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो इंग्लिश स्कूल्स में जाते हैं, लैंग्वेजेस में जाते हैं. तो इंग्लिश को कभी भी ऐसे ना सीखें अपने सर पे सवार करके कि यार अगर हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती ना तो हम जो है वो बहुत ही गिरी हुई कौम है या हम इस तरह से, ऐसा नहीं. इंग्लिश को आप सीखें ये सोच के कि एक ऐसा टूल है जो आज के दौर में हमें काम आएगा. और बाकी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हमने बात नहीं की, जो कि सपोर्ट है, कि आपका बच्चा कुछ भी करना चाहता है तो आप बजाय इसके कि एक भेड़ चाल में अपने बच्चे को कहें कि मैंने इसको इंजीनियरिंग करानी है, मैंने इसको डॉक्टर ही बनाना है, हाँ अगर वो डॉक्टर बन गया और उस लाइन पे चला गया और वो कामयाब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस बच्चे के अंदर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको डीमोटिवेट करके, डिप्रेस करके, टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने बच्चे के अंदर देखें किस चीज़ में अच्छा है, जिस चीज़ में वो अच्छा है, जिसमें उसका दिल लगता है, वो उसमें हमेशा कामयाब होगा. तो ये मेरा एक मैसेज है बहुत सारी चीज़ों को समेटने के बाद. थैंक यू सो मच प्रकाश, बहुत अच्छी बातों पे हमने बात की है. और एंड आई होप कि हम किसी ना किसी को ज़रूर मोटिवेशन दे पाए होंगे और गाइडेंस मिली होगी. और यही बात है कि ज़रूरी नहीं है आपका एक स्पेसिफिक जर्नी हो तो ही आप अपनी पसंद की चीज़ कर पाते हो या ग्रो कर पाते हो. इट कैन हैपन एनी टाइम, बट आपका पैशन होना और आपकी मोटिवेशन होना ज़रूरी है, और जो हमने बाकी चीज़ें डिस्कस की हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच. और हम ज़रूर किसी और प्रोफेशनल से बात करके आपको और मैसेजेस देंगे और आपको बताएंगे उनके जर्नी के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो डोंट फॉरगेट टू Like and share the video. Also press the bell icon ताकि आपको हर वीडियो के अलर्ट मिलती रहे. अल्लाह हाफिज़, till next video, bye.